beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 Stotram, stotram natha. स्तोत्रम 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 सर्वशक्तिनां देवमे स्तोत्रम 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 सैन्यங்களுடைய கூவே स्तोत्रम 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 अत्युन्नतने स्तोत्रम 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 सर्वज्ञानिये स्तोत्रम 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 सर्वव्यापिये स्तोत्रम 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 अखिलांडंगलुडे उडियवने स्तोत्रम 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 सकलते सृष्टिके सकलते तन्ने शक्तियुल्ल वचनताल परिपालिके चेय्युन्नवने स्तोत्रम 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 എല്ലാ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങളും മുകളിൽ ഉയർന്നിരുന്ന സർവത്തിന്റെ മേലും കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന രാജാതി രാജാവേ സ്തോത്രം 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 ആരുടെ മുൻപിൽ സകേല സൃഷ്ടികളും സകേല ദൈവദൂതന്മാരും സ്വർഗീയ ജീവികളും മൂപ്പന്മാരും കവിണ് വീണ് ആരാധിക്കുന്നുവോ നിനക്ക് സ്തോത്രം 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 സ്തുതി 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 സർവശക്തിമാൻ യഹോവാ തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി ഹോ തേരി സ്തുതി ഹോ തേരി സ്തുതി ഹോ അതി ഉച്ചായിമേ തേരി സ്തുതി ഹോ തേരി സ്തുതി ഹോ തേരി സ്തുതി ഹോ തേരി സ്തുതി ഹോ महिमा 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 हो तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी महिमा 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 सर्वज्ञानी परमेश्वर तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा सर्वव्यापी परमेश्वर तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो अति पवित्रता में विराजमान यहोवा तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा तारीफ 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 प्रताप राजा तेरी तारीफ 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 सारे अधिकार को अपने मुट्ठी में रखने वाला परमेश्वर तेरी तारीफ 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 वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो इसके सम्मुख सारी सृष्टि अंतरतरात्मक हुए दंडवत करते गए तेरी वंदना हो तेरी वंदना 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 हो वंदना हो वंदना हो तेरी उपासना हो प्रभु जी उपासना 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 तेरा भय मानते हुए अति पवित्र परमेश्वर तेरे भय मानते हुए हम तेरी उपासना करता उपासना 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 आदर करते है प्रभु तेरे आदर करते है झुकते है आराधना करते है प्रभु जी आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना के लिए एकमात्र योग्य परमेश्वर तू है तेरी आराधना झुक कर आराधना दंडवत कर कर आराधना 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 तेरी आराधना करने के लिए तेरे जन आते है प्रभु अपने आप को नम्र करके झुका कर आते है परमेश्वर के पवित्र भवन के फाटकों से प्रवेश पाकर हम आते हैं धार्मिकता के द्वार से यीशु के लहू के कारण और परमेश्वर की अद्भुत कृपा के कारण प्रवेश पाकर हम आते हैं तेरी आराधना करने के लिए धन्यवाद 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 प्रभु जी धन्यवाद
कोटि 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 धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम आते हैं अब्बा, तेरे मुंह खोजते हुए तेरी आराधना करने के लिए आते हैं। We come, Lord, we come because of thy grace and mercy, because of the shed blood of Jesus. Having found a ready entrance through the doors of thy holy temple, we come to worship thee, seek thy face. Abba, we come with thanksgiving, O Master. With grateful hearts, we come to worship thee at thy footstool. Abba, hamari sahayata kar. इतने महान अति पवित्र तेजोमय परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें तैयार कर प्रभु, अंदर बाहर हमें तैयार कर। सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, नीच इंसान को, ये कुटिल मनुष्य को तैयार कर प्रभु। धोले प्रभु जी, मुझे धोले अंदर बाहर, मुझे धोले प्रभु, शुद्ध कर प्रभु, पवित्र मन मुझ में उत्पन्न कर प्रभु। एक स्थिरता की आत्मा मुझ में बने रहे, पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करने के लिए मुझको तैयार कर प्रभु। तेरे जन आए हैं, अपने आप को तेरे चरणों में बिठाए, अपने अपने भवनों में बैठे हैं, तू सहायता कर हर एक को तैयार कर प्रभु। इतने महान परमेश्वर की आराधना उचित रीति से करने के लिए तेरे जन को तैयार कर। जहां जहां हम बैठे वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाए। Everywhere that we are seated, O Master, may be translated, may be transformed to be the house of the living God for the worship of the most holy God. हमारी आराधना एक स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए प्रभु। इस आराधना की विरोध करने वाली हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट आत्मा सेना को यीशु के सामर्थी नाम से और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार से हम बांधते हैं। We rebuke and bind every spirit of darkness, every power of wickedness that wars against this heavenly worship in the mighty name of Jesus and by the authority that the Lord God has given unto us. May we worship the living God in the liberty of the Holy Spirit. Pavitra Atma ki asadi mein hum परमेश्वर की आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा में चलाए, आदि से अंत तक में चलाए, तक हमारी आज की आराधना भी एक स्वर्गीय आराधना बन जाए, खुशबुदार बलि सा, कि परमेश्वर को प्रसन्न कर ले और स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख स्वीकृति पाए। How we desire and pray that the Spirit will lead us all along, that a worship may be a heavenly worship, pleasing like a fragrant offering unto the Lord, and will be received before and accepted before the throne of God. Amen. Chala, adi se ant tak chala pavitra atma. Bhajan ho, vachan ho, bhashan ho, manan ho, geet ho, vinti ho, ya vichar ya nazar bhi ho, sab kuch परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन बने रहे। तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किए जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में। May the glorious name be exalted, Master. And may thy kingdom come. And may thy blessed will be done in us, in our families, in our congregations, just as it is done in heaven. Receive all glory and honor unto thee, O Master. Bless thy people. Hamare upar aashish barsa de prabhu. Vani suna de prabhu. Tera sparsh aur taajgi ka abhishek hum chahte hain. How we long for a fresh touch and a fresh anointing from thee, O Lord. Grant unto us, O Master. Sari mahima aur aadar, sari prashamsa aur vandana हम तेरे चरणों पर अर्पण कर देते हैं, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अद्भुत नाम की स्तुति हो। परमेश्वर दो दयालु है, कृपालु है, उसकी अद्भुत प्रेम के कारण हमें और एक पवित्र दिवस, धन्य प्रभु दिवस परमेश्वर की आराधना के लिए दान में मिला है। हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद देते हैं।
We thank and bless our Lord for having gifted us yet another beautiful Lord's Day because of His immense grace and His everlasting love for us. मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता जिन्होंने समय निकाल कर अपने आप को प्रभु चरणों में बिठा दिया है और मैं आप सबों का स्वागत भी करता इस आराधना में यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। आइए हम आज भजन से कुछ भाग गाते हैं और शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विद सम वर्सेस फ्रॉम द बुक ऑफ सांग्स। 16वां भजन से 7-8 पद तक। साम 16:7-8। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। I bless the Lord who gives me counsel. In the night also, my heart instructs me. परमेश्वर की ओर से चुन लिए हुए लोग कब हैं? रात काल जरूर आती है निकट आकर सेवा करने के लिए, श्रेष्ठ महायाजक के संग मिलकर सेवा करने के लिए। अलग किए हुए याचकों का समाज हम है, लेकिन रात काल से जरूर गुजरना पड़ता। यू हैव बीन सेट अपार्ट टू सर्व द लॉर्ड, वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड, विल सर्व द लॉर्ड अलोंग विद अ हाई प्रीस्ट इवन अ ब्लेसेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। येट यू मे वॉक थ्रू डार्क वैलीज, वी मे हैव सच डार्क नाइट एक्सपीरियंसेस, लेकिन परमेश्वर का दास कहता कि मैं फिर भी यहोवा को धन्य कहता, उसने मुझे सम्मति दी है। हालेलुया, वी विल रिसीव हिज काउंसल। यस, वी ब्रेव द नाइट एंड वी वॉक थ्रू द डार्क वैलीज। अंधकार से भरी हुई रात की सामना करना पड़ता या गहरी तराई से गुजरना पड़ता, सलाहकार चुपी नहीं रहता। द एनकाउंटर हैज ट्रांसफॉर्म्ड अस, बट नाउ वी विल कंटिन्यू टू रिसीव हिज काउंसल। परमेश्वर के साथ जो मुलाकात हुआ उसे हमारे रूपांतर जरूर हुआ, लेकिन अब हम उसे सलाह पाकर अगुवाई पाकर चलेंगे। रात में भी वो मुझे शिक्षा देता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। आई हैव सेट द लॉर्ड ऑलवेज बिफोर मी। परमेश्वर का दास कहता है दिस वॉज नॉट जस्ट एन एनकाउंटर दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड मी, बट देयर इज ए कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ। There is persevering in my faith. There is growing and making progress in my walk with the Lord. परमेश्वर का वचन से हमें पता चलता है कि निरंतर लगातार चलते रहने वाली एक बात है। परमेश्वर के साथ भेंट लेने से, मुलाकात होने से जीवन में रूपांतर जरूर होता, लेकिन वो वहां रुक नहीं है। मैंने इन दिनों में देखा, इवन आई हैव हैड एनकाउंटर्स दैट हैव ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, येट आई डिड नॉट कंटिन्यू टू ग्रो और आई डिड नॉट कंटिन्यू टू प्रोग्रेस टेकिंग माई स्टेप्स फॉरवर्ड रिसीविंग गाइडेंस एंड काउंसिल फ्रॉम द लॉर्ड। मुझे पता चला परमेश्वर के सम्मुख मैंने अपने आप को कड़ा किया था, ऐसा अनुभव हुआ था, जीवन में रूपांतर हुआ था, लेकिन लगातार मैं बढ़ते नहीं जाता, लगातार मैं बदलते नहीं जाता। हमेशा आगे कदम बढ़ाकर मेरे मसीही जीवन में मैं उन्नति नहीं पाता। पवित्र आत्मा के सलाह के अनुसार हमेशा चलता नहीं है, इसलिए वो कहता है सेट द लॉर्ड ऑलवेज बिफोर मी। यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। इट्स वन थिंग टू हैव एनकाउंटर्स दैट वुड ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स,
It is quite another thing to have the blessed Lord always in front of us. Usko takte hue chalne wali ek baat. Looking unto Him every step forward we will take. Hallelujah. A good beginning does not ensure a good finish. Sahi shuruaat ka arth ye nahi hai ki sahi samapti bhi hua. Isliye Parmeshwar ka vachan kehta कि परमेश्वर के दास के साथ मैं भी कहूं यहोवा के निरंतर अपने सम्मुख रखा, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा. बिकॉज ही इज एट माई राइट हैंड आई शैल नॉट बी शेकन. अभी मुझे याद आता क्यों मूसा ने निर्बंध लगाया परमेश्वर के ऊपर. तुम्हारे संग चलना चाहिए प्रभु जी. मुलाकात हुआ बराबर, पर्वत की चोटी के ऊपर का अनुभव हुआ बराबर है, सही है. मेरा मुंह चमकने लगा वो भी सही है, लेकिन प्रभु जी मुझे चाहिए कि मैं निरंतर तेरे साथ चलता रहूं. ऑल दैट वॉज एक्सलेंट ग्लोरियस एक्सपीरियंसेस. आई हैड सच एक्सटेसी ऑफ सिटिंग इन योर प्रेजेंस ऑन द माउंटेन टॉप दैट वुड कॉज माई फेस टू शाइन. बट फादर आई इंसिस्ट दैट आई गो विद थी ऑल द वे, दैट योर प्रेजेंस गोज विद मी ऑल द वे. That is the desire of this man of God. Daud kehta main Parmeshwar ko sirf mandir mein jaakar nahi dekhta, hamesha mere dahine baat par rakha hai. I do not go to the temple just to have a glimpse of his glory, but I have kept him at my right hand all the time. That he controls, he dictates. Amen. वही मेरे ऊपर पूरा नियंत्रण रखता है, वही मेरे लिए निर्णय लेता है. ही इज इन माय राइट हैंड योर बिलोवेड. एन एनकाउंटर विद द ब्लेस्ड लॉर्ड विल ब्रिंग अस, शुड ब्रिंग अस टू सच एन एक्सपीरियंस, एन ऑन गोइंग एक्सपीरियंस. परमेश्वर के साथ एक मुलाकात होने से बहुत कुछ हो जाता. जैसे हम पौलुस के जीवन में देखा, वो गिरता, उसका आंख की रोशनी नष्ट हो जाता, बहुत कुछ होता. बट उसके बाद वो चलता, प्रभु के संग चलता, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलता. यू सीन दैट इन द लाइफ ऑफ पॉल दिस डेज. एट दैट सुपरनैचुरल एनकाउंटर यू फॉल टू द ग्राउंड, यू लूज हिज आईसाइट फॉर अ व्हाइल, बट देन यू विल कंटिन्यू टू वॉक विद द लॉर्ड एंड द लॉर्ड विल बी एट हिज राइट हैंड डिक्टेटिंग हिज स्टेप्स. हर कदम पवित्र आत्मा के निर्देशन के अनुसार है. देयर शैल बी ए कंटिन्यूअल चेंज इन मी. मेरे जीवन में लगातार ऐसा बदला हटाएगा, बदलते जाऊंगा मैं. 17th verse. परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होंगे. As for me, I shall behold your face in righteousness. When I wake, I shall be satisfied with your likeness. Dearly beloved, बहुत कुछ इसके ऊपर हमने सुना है. You meditated upon this even before. There is such depth of meaning and depth of counsel in this verse. ये वचन में से बहुत गहराई से हम सोच सकते, सीख सकते हैं. वो कहते हैं, मैं ऐसा ही तेरे संग बने रहूंगा, चलता रहूंगा, तुझको मेरे दहिने बाग पर रखकर तुझको ताक कर मैं चलता रहूंगा. हैविंग केप्ट यू एट माय राइट हैंड व्हेन आई कंटिन्यू टू वॉक एज गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट, आई विल बी लाइकेंड टू योर इमेज ओ ब्लेस्ड लॉर्ड. जैसा मैं ऐसे चलता रहता मेरा रूप बदल कर, जब मैं जागूंगा तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाएगा. दो चीज है, एक है जब मैं जागूंगा, व्हेन आई वेक, व्हेन आई एम ट्रांसफॉर्म्ड, व्हेन द ट्रम्पेट साउंड आई विल सी माय ब्राइडग्रूम एज ही इज मैन एंड आई विल बी लुकिंग लाइक हिम. दो चीज है, उसके स्वरूप से मैं तृप्त हो जाऊंगा, जब तुरही की वाणी सुनूंगा मैं,
मेरे रूपांतर होगा और मैं यीशु को देखूंगा, यीशु का स्वरूप देखकर मैं खुश हो जाऊंगा, साथ साथ मेरा रूप भी बदल दिया जाएगा। आमेन। इवन आई विल बी लाइक टू द इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट माय ब्लेस्ड ब्राइड रूम। व्हाट ए ग्लोरियस, हालेलुया, कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन, हालेलुया, इज ऑर्डेन्ड फॉर हिज चिल्ड्रन हु हैव हैड एनकाउंटर्स विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ मुलाकात किए हुए लोगों के लिए लगातार बदला जाने के लिए कितना सुंदर प्रबंध प्रभु ने बनाया है, स्लोली एंड स्टेडली। हालेलुया, एज वी वॉक विद द लॉर्ड वी विल बी चेंज्ड इनटू हिज लाइकनेस, इनटू हिज इमेज। हालेलुया, धीरे धीरे परमेश्वर के संग चलते हुए हम बदला जाएंगे, हमें बदलाव उठाएगा और धीरे धीरे हम यीशु समान बनते जाएंगे। उसका 18 अध्याय में पढ़ता, 28 से पढ़ता, हां तू ही मेरी दीपक को जलाता, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियार को उजियाला कर देता। फॉर यू फॉर इट इज यू हु लाइट माई लैम्प, द लॉर्ड माई गॉड लाइटन्स माई डार्कनेस। हालेलुया, वो सिर्फ हमारी दिया नहीं जलाता, हमने देखा यीशु जो हमारे श्रेष्ठ महायाजक है, सात दीवटों के बीच में हमने उसको देखा। यू नॉट ओनली किंडल्स अवर लैम्प्स, वी सॉ जीसस क्राइस्ट आवर हाई प्रीस्ट अमंग द सेवन गोल्डन लैम्प स्टैंड्स, बट दैट लाइट विल डार्कन आवर वे, विल ब्राइटन आवर डार्क वेज। हमारे अंधकार से भरी हुई राहों को ये ज्योति प्रकाशमय बनाएगा, इसलिए हम उससे होकर चलते रहेंगे। हालेलुया, रात काल में अगुवाई देने वाला परमेश्वर हमें निरंतर चलाते रहेगा, उसके ज्योति में हम चलेंगे। वी शाल नॉट वॉक इन डार्कनेस, वी शाल नॉट स्टम्बल इन डार्कनेस, देन वी विल कंटिन्यू टू वॉक इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड थ्रू द डार्क वैलीज ऑफ आवर लाइव्स। अंधकार से भरी तराइयों से भी परमेश्वर की ज्योति से हम चलेंगे। For by you I can run against a troop, and by my God I can leap over a wall. क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूं, परमेश्वर की सहायता से शहर प्रधान को लांग जाता हूं। There are continual battles in my life. जीवन में निरंतर लड़ाई है, मैं जानता, लेकिन परमेश्वर की सहायता से, उसके सामर्थ्य से मैं ये लड़ाई को जीतूंगा। इतने बड़ा समस्या सामने आए, बड़ी ऊंचे दीवार की तरह आई, मैं इसको ऊपर से लांग जाऊंगा। इफ देयर आर सच इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूज एंड टॉल वॉल्स प्रिवेंटिंग माय ग्रोथ, प्रिवेंटिंग माय जर्नी, आई वुड जंप ओवर देम, आई कैन रन अगेंस्ट द ट्रूप, आई रिफ्यूज टू गेट इंटिमिडेटेड। देयर आर इश्यूज, देयर आर बैटल्स ऑन द वे, वन एनकाउंटर does not avoid such trouble, does not eliminate such issues from before me. परमेश्वर के साथ मुलाकात करने से सारी समस्या दूर नहीं होता, लड़ाई कदम नहीं होता। कहते I will continue to fight, I'll continue to fight bravely against the enemy and I'll jump over the walls. मैं दुश्मन ने जो भी तुम्हारे सामने खड़ा करता है उसको ऊपर से मैं जान जाऊंगा, लांग जाऊंगा। इसे कहता परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। दिस गॉड हिज वे इज परफेक्ट, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड प्रूव्स ट्रू। मुझे पता है ये मार्ग ही सही है, मुझे लगता है गलत है, तकलीफ है, मुश्किलें बहुत है, प्लेंटी ऑफ डिफिकल्टीज, प्लेंटी ऑफ हर्डल्स ऑन द वे, बट दिस इज द राइट वे बिकॉज आई एम लेड बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा मुझे चलाता। क्या लेकर बच्चा encounters will strengthen us, will equip us to grow continually and to emerge victorious. Hallelujah. And jump over the issues and the hindrances that the enemy poses. Parmeshwar ke saath mulaqat karne ke baad hum aage badhenge, ladai mein jeet paate hue aage badhenge. Jo bhi takleef, jo bhi rukawat dushman lekar aate,
इसको ऊपर से हम लांग कर जाएंगे, आमेन, क्योंकि ही इज अ शील्ड फॉर ऑल दोस हू टेक रिफ्यूज इन हिम, आमेन। ये सही मार्ग है, वो अपने शरणागतों की ढाल है, हालेलुया। ही विल सराउंड अस बाय हिज मर्सी एंड विल प्रोटेक्ट अस बाय बीइंग अ शील्ड ऑल अराउंड अस। उसकी करुणा हमारी चारों ओर रहेगी और हमें चारों ओर से वो संभालेगा, डाल बन कर रहा है। He is a shield for all those who take refuge in Him. परमेश्वर का दास पूछते, ऐसा परमेश्वर कौन है, कहां है, यहोवा की चोड़ कौन सा ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को चोड़ क्या और कोई चट्टान है। हम दूसरे चट्टान को नहीं ढूंढेंगे और दूसरा आश्रय को नहीं ढूंढेंगे। We will never search for other helpers. We will not search for other refuge. वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है। He makes my feet like the feet of a deer. It sets me secure on the heights. मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। I'll continue to be standing on the higher grounds. मैं ऊंचाई में खड़ा रहूंगा। Dear beloved, पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर का दर्शन पाकर एक रूपांतर प्राप्त करना एक बात होती है, ऊंचाई के स्थान में बने रहना एक और बात होती है। It's of course a comfortable thing, a glorious experience to ascend the mountain of God. And you have a close encounter with the Lord that will transform our lives. But it is quite another thing to continue to stand on higher ground where God has placed us. Amen. God has equipped me with strength and made my way blameless. Jo samarthya mera kadibandh bandhta hai, mere marg ko siddh karta. He perfects our ways, dearly beloved, as we walk along. We have a walk to walk. We have battles to fight and win. हमें चलना है, आगे बढ़ना है, लड़ाई लड़ना है, जीतना है। इसके लिए कटिबंध बांधता है। That is why he is equipping us with strength. And he makes our way blameless. Amen. हमारे मार्ग को वो सिद्ध करेगा। वही मेरे पैरों को सिद्ध करता, मुझे ऊंचे स्थान में खड़ा रखता। And he set me secure on the heights. Hallelujah. ऊंचाई में कड़ा रहने के लिए मुझे सिद्ध करने वाला, लड़ाई में जिताने के लिए कटिबंध बांधने वाला, आपत्ति विपत्ति से शत्रु के हर तरह की हथियार से बचा कर रखने के लिए चारों ओर डाल बनकर वो रहता। इसलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। वी विल बी चेंज्ड कंटिन्यूअसली, वी विल मेक स्टेडी प्रोग्रेस। हमारा रूपांतर होता रहेगा, हम बदलते जाएगा, हम उन्नति पाते रहेंगे। 19 में चले जाता, 19वां वचन का 14 पढ़ता। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। Hallelujah. My life will be so changed that every word I speak and every meditation of my heart will be guided and controlled by the Holy Spirit, so as to be pleasing to God the Father. मेरे मुख का हर शब्द, मेरे हृदय का हर मनन, ज्ञान पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन बने रहे, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। क्या ली पहला बेटा? This is not a momentary transformation which will give us a momentary sort of pleasure or joy. और एक्सटसी, ये एक पल की रूपांतर नहीं है, कुछ समय के लिए हमें बहुत आनंदित और खुश करने वाली बात नहीं है। दिस इज समथिंग विल लास्ट फॉर एवर, दिस विल कंटिन्यू टू चेंज अवर लाइव्स, अवर वर्ड्स एंड इवन अवर थॉट्स। हालेलुया, विल बी इन अकॉर्डिंग विद गॉड्स विल एंड गाइडेंस। हमारी बातचीत और हमारे हृदय का ध्यान भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाएंगे। इट्स सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए संडे मॉर्निंग वर्शिप एक्सपीरियंस। इतवार की प्रभात की आराधना में जो हम आनंद पाते हैं उससे कई गुना बढ़कर कई अनुभव है। दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज वेरी डिजायरेबल। ऐसा अनुभव हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है, लेकिन ये उससे बढ़कर एक अनुभव है। हालेलुया, माय टंग एंड माय लिप्स आर गेटिंग सैंक्टिफाइड, My heart is being renewed. मेरे होठों को और जीभ को वो नया बनाएगा।
और मेरा हृदय निर्मल बनते जाएगा। आगे बढ़ता वहां से आगे बढ़कर हम 28वीं सॉरी हम 25वें चले जा 25:14 यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हू फियर हिम, ही मेक्स नोन टू देम हिज कोवेनेंट, वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। ओ गॉड विल स्टार्ट शेयरिंग हिज हार्ट विद अस, गॉड विल कन्फाइड इन अस, परमेश्वर अपना हृदय हमसे बांट लेंगे। परमेश्वर के साथ मुलाकात होना, उसका गवाह बनना एक बात होती है। It's one thing to have an encounter with the Lord and to become a witness. But it's quite another thing to keep sharing his heart. Parameshwar ke hriday ko baantte hue iske sang mitra bankar rehna ek alag baat hoti hai. We will grow in this love. We will grow in the knowledge of our God. And we will get closer and closer to him as days go by. हम परमेश्वर की जानकारी में बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम में बढ़ते रहेंगे और करीब और करीब होकर चलेंगे। परमेश्वर हमें मित्र मानकर उसके हृदय की बात हमारे साथ बांट लेगा। लेट वी बिकम हिज फ्रेंड्स, फेथफुल फ्रेंड्स, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, दैट यू विल स्टार्ट शेयरिंग हिज हार्ट विद अस, उसके हृदय की बात हमें प्रकाशित करके देगा। अब्राहम के विषय में उसने ऐसे कहा, मूसा के विषय में उसने ऐसे कहा, जस्ट एज ही वुड सर्टिफाई कंसर्निंग अब्राहम एंड मोसेस एंड मेनी अदर सेंट्स एंड इन द न्यू टेस्टामेंट, जस्ट एज ही वुड रिवील सच ग्लोरियस मिस्ट्रीज टू पॉल एंड अदर्स, इस नया नियम में पौलुस को वो प्रकाशित करके देता स्वर्गीय वेद को और अनेक संतों को, यह हमारा अनुभव होगा। Hallelujah. उसके लिए परमेश्वर हमें निरंतर बदलता रहेगा। God will continue to change us if we permit the Spirit to have control over us. हमारे ऊपर नियंत्रण रखने के लिए पवित्र आत्मा को हम अवसर दे, अनुमति दे तो हमारा भी ऐसा ही रूपांतर होता रहेगा, हम भी ऐसा बदलते रहेंगे। आमेन। पिछले इतवार को प्रभु ने हमें याद दिलाया पवित्र शास्त्र से कि हमारा रूपांतर होगी। आज हम देखते हैं कि हमारे रूपांतर से हमारे जीवन में क्या क्या फर्क दिखाई देगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल प्रोड्यूस सच चेंजेस इन आस, सच फ्रूट इन आस, हमें ऐसा फल दिखाई देगा, हमें ऐसा फर्क खाएगा। ये बात को हम करीब से देखते हैं। वी आर टेकिंग अ क्लोजर लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एज इट विल बी एविडेंस्ड, as it will be manifested in our life, हमारे जीवन में कैसा प्रकटित होगा, प्रकाशित होगा ये रूपांतर का अनुभव, उसको हम करीब से देखने का प्रयास करते हैं। 26वां भजन 8वां, यहोवा मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। ओ लॉर्ड आई लव द हैबिटेशन ऑफ योर हाउस एंड द प्लेस वेयर योर ग्लोरी डवेल्स। हालेलुया, आई एम अट्रैक्टेड बाय योर ग्लोरी, I'm drawn to thy glory, तेरी महिमा से मैं आकर्षित होता, दुनिया के कुछ भी चीज से मैं आकर्षित नहीं होता, कोई मनोरंजन का जगह मुझे आनंदित नहीं कर सकता, nothing that the world offers can satisfy me any longer, my tastes have changed, मेरे रुचि बदल गया है, मेरी अभिलाषाएं बदल चुकी हैं, I find no pleasure in the things that the world draws pleasure from, दुनिया को जो खुशी और आनंद मिलते हैं ऐसी चीज से मुझे नफरत आते हैं, मुझे मुझको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। Well, I desire after your presence and the house of the Lord where your glory dwells. He's wooing me, he's attracting me, he's drawing me. तेरा भवन पवित्र भवन, जहां तेरी महिमा निवास करता वास करता, वहां मैं आकर्षित हो जाता, वो मुझे खींच लेता। दिस इज द चेंज आई मस्ट फाइंड इन मी डियरली बिलोव्ड, व्हेन आई हैव एनकाउंटर्ड द ब्लेस्ड लॉर्ड,
परमेश्वर के साथ मेरा मुलाकात होने से ये रूपांतर मेरे जीवन में मुझे देखना चाहिए। माई डिजायर्स, माई लॉन्गिंग्स, माई क्रेविंग्स हैव ऑल चेंज्ड। मेरे की देखी इच्छाएं, मेरा आग्रह, मेरा अभिलाषा, ये सारी चीज बदल गया है। I'm drawn towards your glorious presence. तेरे महिमावान उपस्थिति की ओर मैं खींच लिया जाता। वैसे आगे बढ़ता 27 का 4 पढ़ता, वही बात 27:4। एक बार मैंने हो से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। One thing I have asked the Lord, and I will seek after. I'll continue to seek after. Hallelujah. ऐसा नहीं है कि मुझे एक स्वर्गीय दर्शन चाहिए था। That I wanted a heavenly vision, a beautiful dream of the golden streets up there, or the river of life. ऊपर जो स्वर्ण के पद है, नहीं तो जीवन के नदी का जो स्फटिक समान है, उसका दर्शन पाना चाहता मैं, उससे अधिक है ये। हालेलुया। लगातार मैं इसी के यत्न में है। I continue to desire after this, I will seek after this, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Hallelujah. Sada sarvada tere upasthiti mein hi mujhe bane rehna hai. I will feel like a fish out of water if I miss your presence, O Lord. Tere upasthiti mujhe nahi milta, mujhe nasht hota hai ek pal ke liye bhi. Mujhe aisa lagta hai ki main pani se bahar fekha gaya, machli ke samaan hai. I become so restless. I can never feel at home without your presence. Amen. तेरी उपस्थिति के सिवाय मैं जी नहीं सकता। मैं चैन से नहीं रह पाता। जीवन भर यहोवा के भवन में रहना है, जिसे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। Hallelujah. Now I know for my thoughts to be refined, for my imaginations to be pure, I need to be walking with the Lord. I need to find myself continuously in His presence. सदा सर्वदा उसके संगति में बने रहना अवश्य, उसके संग चलना अवश्य है। तब ये यहोवा की मनोहरता के दर्शन पाकर ही रहूंगा। I will continue to behold and enjoy, hallelujah, the glory of His presence, the beauty of His presence. I'll gaze upon the beauty of the presence of the Lord and inquire in His temple. Uska mandir mein dhyan kiya karunga. I'll continue to receive counsel from the Lord. The Lord will continue to reveal His heart. Hallelujah. मैं परमेश्वर से अगुवाई पाते रहूंगा। परमेश्वर उसके हृदय मेरे साथ बांट लेगा। Hallelujah. और मैं उसकी मनोहरिता का दर्शन निरंतर पाता रहूंगा। I'll continue to gaze upon the beauty of His holiness, His glory. Hallelujah. ये मेरा अनुभव होगा। Let this be my experience. Hallelujah. हम आगे बढ़ता, हम 73वां भजन में डालता। We move from there to 73rd Psalm, 24 से पढ़ता। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। यू गाइड मी विथ योर काउंसल एंड आफ्टरवर्ड यू विल रिसीव मी टू ग्लोरी। व्हेन आई नो ही इज गाइडिंग मी, ही इज परफेक्टिंग माय वे एस आई सॉ। हमने पहले देखा कि वो हमें चलाता है, वो हमारे मार्ग को सिद्ध करता है। रात काल हो, तराई हो, सामने पहाड़ हो या लड़ाई का मैदान हो, whether he's leading us through dark nights or deep valleys or through battlegrounds or over the mountains and tough terrains, he's leading us to glory. Hallelujah. Woh hame le ja raha hai mahima ki purnata ki or le ja raha hai. You will receive me to glory, dearly beloved. We are walking from glory to glory. Mahima se mahima ki or hum chalte rahenge. Masihi jeevan mein unnati paate rahenge. Usne hame hamare haath ko pakad liya hai. He has held our hand. Amen. That was a glorious experience. That he stretched forth his right hand and held me and drew me out of the miry clay. परमेश्वर ने इन्हें हाथ बढ़ाकर मुझे मजबूती से पकड़ लिया, खींच लिया दल दल की कीचड़ से। लेकिन वहां कड़ा रहने के लिए नहीं है, वो मुझे चला रहा है महिमा की पूर्णता की ओर। हालेलुया। ही डिड नॉट ओनली जस्ट
pull me out of the miry clay, but he's leading me all along towards the fullness of his glory. Amen. स्वर्ग में मेरा कौन है और तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं मैं जानता. There is nothing on earth that I desire besides you. And hallelujah. I'm not looking forward just to see the jewels and pearls in heaven. स्वर्ग के जो रत्न है या मोती है वो देखने के लिए मेरा हृदय नहीं तड़पता. वो सुंदर दृश्य होगा. They are glorious sights anyway. But my heart is yearning, O Lord, to behold thy face. तेरा मुख दर्शन में चाहता प्रभु. ये जगत में भी मैं और कुछ नहीं चाहता. Even this, on this earth below, I want to feast upon your beauty, your glory, your brilliance. Amen. मैं तेरा मुख ज्योति का और तेरी खूबसूरती का आनंद उठाना चाहता ये जगत मेरे घर में. नथिंग एल्स विल अट्रैक्ट मी, नथिंग एल्स विल स्टील माय हार्ट. दूसरा कुछ भी मेरे हृदय को नहीं चुरा लेगा. दूसरा कुछ भी चीज मुझे आकर्षित नहीं करता. मे दिस बी द चेंज दैट आई सी इन मी ओ लॉर्ड. ये फर्क मेरे जीवन में देखना चाहता प्रभु. ये ऐसा में बदल दिया जाए प्रभु. ये मेरे हृदय का आग्रह है. हमें ऐसा बदला जाना चाहता प्रभु. I want to go through this continual changing process of master. That I will continually changed more and more into the image of the Son, even Jesus Christ. Putr ke roop mein badal diya jane ke liye. Dheere dheere uske swaroop mein badal diya jane ke liye. Main kitna chahat rakhta. Teri khoobsurti ka darshan paate hue. Tere sang chalna chahta. Hallelujah. Change my course of life and my priorities and my desires, O Lord. मेरे जीवन की सारी प्राथमिकता और मेरे जीवन के सारे लक्ष्य, मेरे जीवन की सारी अभिलाषा को बदलते जा प्रभु जी. आमेन. हम आगे बढ़ता. हम आज उल्पति से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें समय बचाना है. हमें और कुछ वचन पढ़ना है आज. इसलिए हम सीधा न्यायियों की पुस्तक से कुछ वचन पढ़ेंगे. Only very representative verses we will read from the Old Testament in order to save time. Nyayon ka pustak ka chatur adhyay se 32 se padhte hain. 32 onwards. Isliye us din Gidon ka naam yeh kahkar Yerubbaal rakha gaya ki usne jo Baal ki vedi girai hai to is par Baal apna vaad vivad kar le. Therefore on that day Gideon was called Jerubbaal. That is to say, let Baal contend against him because he broke down the altar. The transformation will be manifested in Gideon's life. Gideon ke jeevan mein jo rupantar hua, wo prakat kiya jayega. He will become an eternal enemy, a perennial enemy of Baal. वो बाल देवता का नितांत दुश्मन बन जाएगा. इतना हिम्मतवान बनता हो. He becomes so bold, so courageous to raise down the temple dedicated to Baal, even erected by his father. अपना ही पिताजी की ओर से कड़ा किया गया बाल के मंदिर को उठा देगा वो. तो हिम्मतवान बनता. क्या ले बेलावट. Our battle begins now. When you encounter this blessed Lord, He has girded our loins, He has strengthened our hands. Amen. He has steadied our feet. That we will declare war on the enemy. परमेश्वर के साथ मुलाकात होने के बाद हम याजक लोग जरूर हैं. We are indeed His priests. But the priest will go before when the army marches forward. सेना जब आगे बढ़ते हैं उसके सबके सामने सेना के सामने चलेंगे याजक लोग. आमेन. बाल की ऐसे मंदिरों को डा देने के लिए. आमेन. विल कंटिन्यू टू पुल डाउन द ऑल्टर्स ऑफ बाल. आवर नेम विल बी चेंज्ड एज वेल. मे वी बी जरुब्बाल. हम ही जरूर बाल बने. बाल का सरदर्द बने. बाल के साथ निरंतर लड़ते रहे.
will declare war on the evil forces and demonic spirits. We'll continue to wage war. We'll continue to be a big, big, big headache to him. Amen. We will not leave, we will not show any sympathy, any mercy. हमको ये दया नहीं दिखाएगा, करुणा नहीं दिखाएगा, हमारा नाम बदलना चाहिए. From then onwards, amen. It's not one day name change. वो एक दिन के लिए नाम नहीं बदला, उसके बाद उसका नाम वही रहा, जरुबाल. Amen. Devil drivers we shall be. Amen. ऐसे शैतान को भगाने वाले हम बन जाए, शैतान के हर तरह के काम को बेकार करने वाले हो जाए. Maybe the people will destroy the works of the enemy. Because we read, Jesus came to the world to undo the works of the enemy. Dushman ne jo bhi maan kaam kiya, usko dha dene ke liye, mithane ke liye, parameshwar ka putra aaya. Amen. Main sirf Gideon ka example liya, bahut sare cheez hum padh sakte hain. Uske baad hum padhte hain ki Midiani aaye, Amalek kya hai. Then we read in the next verse, Midianites and the Amalekites and the people of the east came together. Now all the armies will come together, not just the Midianites. पहले के जैसा नहीं, सारे आर्मी उसके विरोध में आ जाता. Dear beloved, when we are being transformed, when we are changing, the enemy will tremble, amen, and they will try to fortify themselves and come against us altogether. ये परमेश्वर के जन परमेश्वर से मुलाकात पाकर आगे बढ़ते हैं, तब दुश्मन पूरा मिलते हैं, वो तरतराते हैं डर के मारे, वो आपस में संबंधी लेकर आते हैं, सब मिलकर आता. लेकिन वी नीड टू रीड 34th वर्स, 34 पढ़ता, तब ये हो वक्त आत्मा गिदोन पे गिदोन में समाया. But the Spirit of the Lord clothed Gideon. Hallelujah. Gideon will be clothed with strength, robed with power. Hallelujah. Gideon ko jaise vastra pehnaya jata, waise parameshwar ne swargiya samarthya se, hallelujah, od liya. Gideon mein pavitra atma samaya. Usne narasingha phuka. Hallelujah. And he sounded the trumpet. Dearly beloved, this is what his priest will do today. Amen. हमें ये रूपांतर होएगा. It is one thing to say that I am changed overnight. एक पल में मेरा रूपांतर हुआ, सही है. We have gloriously been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light of the sun. अंधकार की राज्य से हम परमेश्वर के पुत्र के ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया गया, वो एक बात है. But then the fun begins. उधर से कार्य शुरू होता है. Hallelujah. All the idols of Baal will be torn down, the temple will be pulled down and destroyed. Hallelujah. Uske sare vedi mitaya jayega, uske sare mandir ghataya jayega, da diya jayega. Itna hi nahi hai, sare dushman mere saath hamare virodh mein aaye to bhi parameshwar mein bal se dharan karayega. When all the enemies come together, we will be clothed with power. Hallelujah. And he will sound the trumpet. Oh, we will sound the trumpet. That's a battle cry. Hallelujah. It's a battle call for the church. वो कलीसिया के लिए ये तुरही, ये डराने के लिए नहीं है, कलीसिया को सुसज्ज करने के लिए है, दुश्मन के विरोध करने के लिए. हालेलुया. आइए हम एक दूसरे को सुसज्ज करने के लिए तुरही फूकने वाले हो जाए. Let us not be shrinking into our caves, hiding in our caves. हम अपने गुफा में अपने आप को छुपाएंगे नहीं है, हम तुरही फूकेंगे. हालेलुया. दुश्मन की सामना करेंगे, जरुबाल बनकर रहेंगे. We shall all be like Zerubbabel. Zerubbabel, hallelujah, declaring war on the enemy. Amen. And sounding the trumpet for the people of God, the army of God, the church of God to be ready. Hallelujah. For the conquest. हम आगे बढ़ते वहां से हम आगे बढ़कर पहले शमूएल में चले जाता. 1 Samuel chapter 10, 6, 7. पहला शमूएल 10वें अध्याय का 6-7 पढ़ता. Then the spirit of the Lord will rush upon you. You will prophesy with them and be turned into another man. तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा. You will be a new man. When the Spirit of the Lord comes upon you. We just read about Gideon. Gideon ke vishay mein humne suna.
पवित्र आत्मा बड़े बल से उसको उसके ऊपर आया और उसको स्वर्गीय सामर्थ्य से धारण कराया. हियर द सेम स्पिरिट व्हेन ही डिसेंड्स अपॉन सॉल ही वुड बी चेंज्ड इनटू अ न्यू मैन. थोड़ा सा आदत बदलने वाली बात नहीं है, ही विल बी चेंज्ड इनटू अ न्यू क्रिएशन और एक नई सृष्टि बन जाएगी. तुम भी नबूवत करने लगेगा. यू विल ऑल्सो प्रोफेसाई, यू स्पीक द वर्ड्स ऑफ गॉड. द वर्ड ऑफ योर माउथ विल बी प्लीजिंग टू हिम. तुम्हारा मुख का शब्द जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात होगी. यू शैल प्रोफेसाई. आमेन. परमेश्वर की ओर से बोलने वाला प्रॉफिट है, भविष्यद्वक्ता है, नबी है. द वन हु स्पीक्स ऑन गॉड्स बिहाफ, हु रिलेज हिज काउंसिल, दे आर प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, द ऑरेकल्स ऑफ गॉड. कहते यू शैल प्रोफेसाई, यू विल बी टर्न्ड इनटू अ मैन. And when these signs meet you, do whatever your hands finds to you, find to do. God is with you. Whatever your hands find to do, you do it. The Lord is with you. You will only do His will. When you are totally under God's control, the control of the Spirit, पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन मैं बन जाऊंगा तो मैं जो भी कार्य करूंगा सही करूंगा. I will be controlled by the Holy Spirit. Amen. कोई वे गद्दे को भी ढूंढ नहीं निकाल सका साउल. साउल कुड नॉट इवन ट्रेस आउट द एनिमल्स, द डोंकीज दैट गॉट स्ट्रैंडेड. बट हियर ही कम्स, हालेलुया, अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड. एंड द मैन ऑफ गॉड इज एश्योरिंग दैट व्हेन द स्पिरिट फिल्स यू एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, व्हाटएवर यू डू, आमेन, यू विल बी सक्सेसफुल एंड ट्रायम्फेंट. आमेन. ये परमेश्वर का नियंत्रण का थीम पे तू आ जाएगा. जो भी कार्य तुझसे प्रभु कराएगा तो उसमें कामयाबी पाओगे. आमेन. लेट दिस बी द चेंज दैट आई फाइंड इन मी नाउ, कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट. मे आई बी चेंज्ड इनटू येट अनदर मैन, आमेन, अ डिफरेंट क्रिएशन. परमेश्वर की आत्मा मुझे ऐसा बदल दे कि मैं दूसरा मनुष्य बन जाऊ, मेरा स्वभाव बदले. आमेन. मैं नबूवत करूं, लेट माई कैरेक्टर चेंज, माई एटीट्यूड चेंज, मैंने मेरा स्वभाव चेंज हो जाए, अलग हो जाए, मेरा दृष्टिकोण बदल दिया जाए. आमेन. ऑल माय एटीट्यूड्स शुड चेंज. आमेन. द वे आई लुक एट थिंग्स विल चेंज एंड आई विल बी अ न्यू मैन एंड आई विल बी गॉड्स स्पोक्समैन. मैं परमेश्वर का वक्ता बनूंगा. दूसरा शमूएल में चले जाता, सेकंड शमूएल चैप्टर 19. बहुत ये परिचित भागों के पास हम भाग के पास हम इसलिए आता है कि हमें याद दिलाने के लिए कि अब ऐसा रूपांतर हमारे जीवन में निरंतर होते रहना अवश्य है. We look at these verses that remind us such a continual change is what we should have in our lives as we walk along. हम दूसरे शमूएल के पुस्तक में आकर 19वें अध्याय का 28 से पढ़ता. मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिन लिया है. मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? फॉर ऑल माई फादर्स हाउस वर बट मैन डूम टू डेथ बिफोर माई लॉर्ड द किंग, बट यू सेट योर सर्वेंट अमंग दोज हू ईट एट योर टेबल. व्हाट फर्दर राइट आई हैव टू क्राई टू द किंग. मैं फिर बोशत करता, इतने बड़ा एहसान किया तूने मेरे ऊपर, सच फेवर यू हैव शोन टू मी ओ किंग. I was destined to perish, condemned to die. मैं मिटने पर था, नाश के योग्य था, श्रापित परिवार का हूं. I hail from a cursed family, condemned to die and perish. लेकिन तूने मुझे राजकुमारों के साथ तेरे मेज पर से भोजन कराने के लिए योग्य माना. You counted me worthy to be seated with the princess and eat at thy table. Oh, what more will I ask of thee? मैं और कुछ नहीं चाहता. तेरी मनोहरिता का आनंद मुझे उठाना है. I want to feast upon thy glory and thy beauty, Lord, and eat at thy table. तेरे मेज पर से खाना है मुझे. उसे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मैं मांगूंगा. I'm not asking for wealth, I'm not asking for houses, I'm not asking for vehicles, I'm not asking for name and fame.
मैं संपत्ति के पीछे नहीं, मकान के पीछे नहीं, गाड़ी के पीछे नहीं, मशहूर होने के पीछे नहीं, ऊंचा पद के पीछे नहीं प्रभु। It is enough that I have the privilege to eat at my king's table and behold his face, though I was cursed and condemned to perish. विश्रामित था मिटने पर था, राजा ने मुझे उठाया, राजकुमार के साथ बिठाकर उसके मेज पर से खाने के लिए, उसके मुंह की ज्योति का आनंद उठाने के लिए, योग्य माना, उससे बढ़कर मैं कुछ नहीं मांगूंगा। This man was changed and there is a continual change in him. मैं भी बहुत बदल गया था, लेकिन उसमें रूपांतर होते ही रहता है। हमें वो कहता है कि अभी मेरा आनंद तेरा चेहरा है। माई जॉय, माई हैप्पीनेस इज गेजिंग अपॉन योर फेस ओ किंग, ऐसे वो कहता। बाकी सब आप पढ़ सकता। उसका राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों कर रहा, मेरी आज्ञा यह है कि तू भूमि को तुम और सीबा दोनों का आपस में बांट ले। राजा कहते कि ज्यादा कुछ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिसाइडेड दैट योर एंटायर प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड बिटवीन सीबा एंड यू। कहते मैंने आई हैव डिसाइडेड सीबा विल डिवाइड द लैंड। तो पहले वो सारी चीज सीबा को दे रहा था, इसके सारे प्रॉपर्टी। सीबा जो है वो जस्ट ए स्टूअर्ड, सीबा जो है वो सिर्फ एक मैनेजर है, उसके सारे चीज को देखभाल करने वाला आदमी है, एक तरह की भंडारी था वो। लेकिन वो उसको सब देने का निर्णय दाऊद लिया था, लेकिन अब कहते हैं कि उसको बांट लेगा। लेकिन इसका प्रत्युत्तर देखो कि राजा ने उससे कहा, तू मैं ऐसा करूंगा। तब मेफीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा के कुशल क्षेम से आने अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही और कुछ नहीं, और सीबा ही सब कुछ ले ले। Oh, let him take it all. Since my lord the king has come safely home, I will get to see your face, O king. That's all what I need. Let the property go to Ziba, not a portion of it. Let the whole thing go. That is the change I find in this man. Mephibosheth kata pura sambati Ziba ko de de. Ek amsh bhi mujhe nahi chahiye. Lekin never take away from me the privilege to gaze upon your face, O king. Hey, Raja, tera mukh ka darshan mujhe kabhi nasht na ho jaye. Hallelujah. Hallelujah. That is a changed man, Mephibosheth. Rupandar prapt Mephibosheth ka jeevan ka. Sari prapt mein kida aur lakshya badal gaya. His priorities and his goal have changed now. Hallelujah. May I have such an unquenchable desire, thirst in my heart to give behold in the face of my blessed Lord and walk in his company. Mere hriday mein bhi aise jalti hui agni samaan aasha bane rahe ki main bhi mere uddharak ka mukh ka chehra ka aanand uthate hue uske sangati mein bane rahe. आगे बढ़ता, पहले राजाओं के पुस्तक में चला जाता, 1 King 19:21 onwards, all known by heart to us. 19वें अध्याय के 21वें मई से पढ़ता, we look at Elisha. Chapter 19:21, तब वो उसके पीछे से लौटाया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए, बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पक्का किए, अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने भी खाया। He returned from following Elijah, took the yoke of oxen, sacrificed them, boiled their flesh with the yokes of the oxen, gave it to the people and they ate. देखो Elisha. एलिया ने याद दिलाया, याद रखो कि मैंने क्या किया है तेरे लिए, परमेश्वर ने क्या किया है। यू ऑलरेडी हैड एन एनकाउंटर विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। एलिया वुड रिमाइंड हिम, रिमेंबर व्हाट हैज बीन डन टू यू, व्हाट द लॉर्ड हैज डन टू यू। तेरे मुलाकात हुआ है परमेश्वर की महिमा के साथ, जो करना कर लो। ही वुड रश बैक टू द फील्ड
वो खेत में लौट कर आएगा, शीघ्र आएगा, दौड़ कर आएगा और ऐसा बलि चलाएगा भाई लोगों को, और जो जुआ था उसको भी जलाएगा। यू विल बर्न ऑल द फार्मिंग इंप्लीमेंट्स एंड यू विल सैक्रिफाइस द बुल एंड यू विल सेलिब्रेट हिज कॉल रादर देन क्राइंग एंड वीपिंग ओवर थिंग्स दैट ही हैज टू लीव बिहाइंड। ही इज सेलिब्रेटिंग द कॉल डियरली बिलवड। वो बुलाहट को मनाते हैं, रोते नहीं, विलाप नहीं करता, आंसू नहीं बहाते कि उसको सब कुछ छोड़ना है, संबंध परिवार को छोड़ना है, संपत्ति को छोड़ना है, आसानी के जीवन को छोड़ना है। यस टू गिव अप ए लाइफ ऑफ लक्जरी, यस टू लीव बिहाइंड ऑल हिज रिचेस, ऑल हिज रिच इनहेरिटेंस। ही शुड हैव वेप्ट एंड क्राइड and shed hot tears, but rather he would celebrate. A man, he has found a greater treasure. Now his eyes on that heavenly treasure. Usne swargiya sampatti ka darshan paya hai. Ab uski nazare uske upar hai. Amen. He is walking towards the fullness of glory. Wo mahima ki purnata ki or chalta hai. Rupantar prapt hua hai. Amen. He is changed and he will continuously change. Amen. Then he arose and went after Elijah and assisted him. Wo Elia ke piche chala, uski seva tahal karne laga. Everything changes dearly, beloved. And it has continued to change in his life. It will be. Hallelujah. Uska jeevan mein rupantar ye rupantar nirantar chalta rahega. Wo hum dekha hai uske jeevan mein. जैसे लिया उठा लिया गया तब तक वो कैसे उसके संग चलते रहा हमने देखा। हाउ एलिशा वुड फेथफुली फॉलो एलिजा टिल ही वाज कॉट अप, वी हैव सीन दैट। हालेलुया। हम आगे बढ़ता हमेशा भविष्य तक का पुस्तक में चले जाता। वी मूव फ्रॉम देयर टू द बुक ऑफ आइसाया द प्रॉफिट, लुक इनटू चैप्टर 50, 50वां अध्याय में नजर डालता। यशिया 50 10वां वचन पढ़ता। वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लूह और न घास उन्हें लगेगा, क्योंकि वो जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। दे शाल नो लॉन्गर हंगर और थर्स्ट, नीदर स्कॉचिंग विंड नो सन शाल स्ट्राइक देम। He who has pity on them will lead them, and by springs of water will he guide them. Hallelujah. Such people will be guided by the Spirit of the Lord, by the springs of heavenly water. Swargiya jal nadi ke kinare se hokar, Parmeshwar ki atma aise logon ko chalayega. Nor hunger, nor thirst, nor the scorching sun will discourage them, will hinder their journey. उसके मार्ग में जलने वाली सूरज हो या भूख हो या प्यास हो, कुछ भी उसके मार्ग में रुकावट नहीं लेकर आएगा। पवित्र आत्मा निरंतर चलाएगा। क्या ली पहले बैठे उनका अगुआ होगा। He has pity on them, will lead them. वही उनका अगुआ होगा, जल के सो तो उनके पास उन्हें ले चलेगा। आमेन। वी शैल बी लेड बाय द स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, हेवनली प्रोविजंस। हालेलुया। विल बी मेड अवेलेबल इन प्लेंटी। स्वर्गीय सारे स्वर्गीय अनुग्रह बहुतता से उंडेल दिया जाएगा। वी विल बी लेड बाय द स्प्रिंग्स ऑफ लिविंग वाटर, जीवन नदी के किनारे पे वो हमें ले जाएगा, वहां से हमें निरंतर अगुवाई देकर चलाएगा। इट इज नॉट ए वन मोमेंट एक्सपीरियंस, एक पल का एक अनुभव नहीं है, निरंतर वो हमें चलाएगा, जल के सोते के किनारे से होकर चलाएगा। यू लीड अस बाय द स्प्रिंग्स ऑफ द लिविंग वॉटर। वहां से वो आगे बढ़ता, 60वां अध्याय में आता, उसका 17वां वचन पढ़ता। दिस इज अ कंटिन्यूअल एक्सपीरियंस डियरली बेलोवेड that heaven has prepared for us. स्वर्ग ने हमारे लिए जो आयोजना करके रखा है वो निरंतर बदले जाने वाली एक बात है, निरंतर चलाए जाने वाली एक बात है। उसके 17वां वचन 60 का, मैं पीतल को पीतल के बदले सोना
लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। इंस्टेड ऑफ ब्रॉन्ज आई ब्रिंग गोल्ड, इंस्टेड ऑफ आयरन आई ब्रिंग सिल्वर, इंस्टेड ऑफ वुड ब्रॉन्ज, इंस्टेड ऑफ स्टोन्स आयरन। हालेलुया, कंटिन्यूअल प्रोग्रेस वी शैल मेक। आमेन। हम उन्नति पाते ही रहेंगे। मेरी अवस्था अगर लकड़ा का तरह है तो, या मैं पत्थर का तरह है तो मैं लोहा बनाया जाऊंगा। माई कंडीशन लाइक अ स्टोन, आई बी ट्रांसफॉर्म टू बी लाइक आयरन। परमेश्वर का वचन कहता है इंस्टेड ऑफ स्टोन्स आयरन, और मेरी अवस्था लकड़ा की तरह है तब वी चेंज इन टू ब्रॉन्ज। अगर मेरी अवस्था लकड़ा की तरह है तो पित्तल समान में बन जाऊंगा। हमने इस बात को देखा था, हालेलुया। यीशु को देखा था, उसका पैर पित्तल समान हमने देखा था, चमकते हुए देखा था। इन ऑर्डर टू अटेन दैट ग्लोरी जीसस क्राइस्ट हैड टू बी बर्न्ड इन द फायर ऑफ गॉड्स रॉथ। वो पित्तल की जो चमक है वो पाने के लिए यीशु क्रिस्त को पिता परमेश्वर के क्रोध की अग्नि में तपाया जाना अवश्य था। यू ट्राइड इन द फायर ऑफ गॉड्स रॉथ एंड नाउ हालेलुया आई इनहेरिट द ब्रिलियंस एंड द शाइन ऑफ दैट ब्रॉन्ज। आमेन। चमकने वाले पित्तल की शोभा और उसकी खूबी को मैं अपनाता। आमेन। ही विल टेक the heat of the furnace and you will pass on the shine to me। भट्टी के ताप को वो अपने ऊपर ले लेकर मुझे पीतल की चमक से अलंकृत करेगा। यू विल डेकोरेट मी विद द शाइन ऑफ ब्रॉन्ज, शाइनिंग ब्रॉन्ज। आमेन। बाय बेयरिंग द हीट ऑफ द फर्नेस ऑल बाय हिमसेल्फ। हालेलुया। अगर लकड़ी की तरह है, इसके लिए हमने वेदी के ऊपर जो मनन किया हमने देखा था लकड़ा है, लेकिन ऊपर तांबा से पीतल से ओढ़ लिया गया। दो दो इट वॉज मेड ऑफ वुड, इट वॉज कवर्ड विद ब्रॉन्ज। वी सॉ आई बी चेंज्ड इनटू दैट ग्लोरी दैट शाइन। इतना ही नहीं, उधर भी मैं बने नहीं रहूंगा, वहां से आई बी चेंज्ड इनटू सिल्वर। हालेलुया। वहां से मैं चांदी समान बनूंगा। When I have attained to the status of bronze, I will continue to be changed. Once I become a rupantar, bante re, bhatte jayega. From glory to glory, from highest to higher levels, unchai sati unchai ki or, Prabhu mujhe chalayega. Hallelujah. We will never stop on the way. Raah mein hum rukenge nahi, Prabhu mujhe chalayega. Dearly beloved, there will be such continual change. Which will keep on transforming me into the image of the sun. And I'll be shining more and more, reflecting his glory. Nirandar mera rupantar hote rahega, putra ke samaan mein bante jaunga, aur nirandar main uski mahima ko prakat karte rahunga. And look at the final stage. Man. And the silver will become like gold. Instead of bronze, I will bring gold. Amen. Abhi chandi nahi, aur pital nahi. पूरा चौके सोना। आमेन। नाउ आई बी 24 कैरेट गोल्ड। आमेन। चौके सोना, प्योर गोल्ड। दैट इज गॉड्स प्लान कंसर्निंग अस। मे वी नेवर रिफ्यूज दिस चेंज। मैं इसके विरोध नहीं करूंगा। हम बदलते जाएंगे, पूरा सोना बन जाएंगे। शुरुआत किधर भी क्यों ना हो, बढ़ते जाओगे। व्हाट विल बी द लेवल ऑफ आवर बिकनिंग, विल कंटिन्यू टू ग्रो From stone to iron, from wood to bronze, from bronze to silver, and ultimately to pure gold. Hallelujah! हम बनेंगे, हम पत्थर से लोहे की तरह बनेंगे, लकड़ी तांबे की तरह, पीतल की तरह, और हम पीतल से भी बढ़कर चांदी और चौके सोने के समान बन जाएंगे। वैसे हम आगे बढ़े 61:4 Just to remind us, we have meditated upon this many a time before. Sirf yaad dilane ke liye kai baar humne isko parmanan kiya. We will do well to remind ourselves so that
we get more than motivated, more than persuaded to walk with Him and make progress. ये हमें प्रोत्साहन दिलाने के लिए है, उसके पीछे चलने के लिए, हमें उत्तेजित करने के लिए है। बार बार हम ये वचन पढ़ते हैं, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्तारों की फिर बसाएंगे। They shall build up the ancient ruins. They shall raise up the former devastations. They shall repair the ruined cities, the devastations of many generations. Hallelujah. ये याजक लोगों को प्रभु ने बुलाया, हमें बुलाया, सहकर्मी के रूप में भी बुलाया। We are His co-workers, co-laborers. Amen. उजड़े हुए स्थानों को हम दोबारा बनाएंगे। We shall build up the ancient ruins once again. Hallelujah. हमने इस आग को देखा, जो जो कुआ खोद कर रखे थे पिताजी अब्राहम ने, उसको दुश्मन ने बंद किया था, लेकिन इस हाथ जाकर उसको एक एक करके खोलेगा। हालेलुया। We have seen Isaac doing it. He will go and start opening every well that his father Abraham had dug and the enemy had closed. This is what we will do. We will go and discover the true teaching and disclose and uncover, unveil the true doctrine. हम जो सही उपदेश है, सही शिक्षा है, उसको दोबारा प्रकाशित करेंगे। They have caught lot of dust. बहुत सारा धूल लगे उसके ऊपर, अंतिम दिनों में यह होगी। Amen. The right counsel, the right word, the right teaching, the whole counsel of the scriptures will be brought up for the church to be edified and to be perfected. कलीसिया का कलीसिया पक्का किया जाए, सिद्ध किया जाए, उसके लिए सही उपदेश, सही शिक्षा दोबारा, हालेलुया, कलीसिया के सामने रखा जाएगा। पूर्व काल से पड़े हुए कंडहारों में से वो फिर घर बनाएंगे। They shall raise up the former devastations. We will rediscover, hallelujah, the values of our forefathers. Amen. विद्यविद्यों में प्रेरितों ने जो सिखाया है, what the apostles taught and practiced, वो we rediscover them and we will embrace them. प्रेरितों ने जो सिखाया और जो बात लिख के रखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा है वो। The Holy Spirit has used them to give us such heavenly instructions and caused them to set such examples for us to emulate. पवित्र आत्मा ने उनसे ऐसा लिखवाया और ऐसे आदर्श हमारे सामने दिखलाया ताकि हम उसका अनुकरण करें। We shall rediscover them. Hallelujah. We shall go back to the most precious faith. Hallelujah. The ancient good ways. हम पीछे जाएंगे और परमेश्वर के मार्ग में से होकर चलने लगेंगे, सही उपदेश को पकड़ेंगे। हालेलुया। पीछे जाने का मतलब नहीं है बीते हुए दिनों में जो भी हमारे जीवन में भूल हुआ और गलती गलत काम किया, जिधर भी हम बैठे थे वहां जाने को, उसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया। वी रीडिस्कवर द ट्रूथ ऑफ द बाइबल, पवित्र शास्त्र की सच्चाई को हम दोबारा ग्रहण करेंगे और उसका आधार पर हम चलेंगे। हालेलुया। हम बांध काम करेंगे। देन वी शैल बिल्ड एंड वी शैल स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, ऑन द माइटी रॉक। जब हम बनाएंगे वो बने रहेंगे। हालेलुया। ऑन द रॉक, चट्टान के ऊपर बने रहेंगे, स्थिर बने रहेंगे, सही नींव बने रहेंगे। हालेलुया। वहां से आगे बढ़ता यरमिया भविष्यद्वक्ता तक के पास जाता, 23वें अध्याय से पढ़ता, बुक ऑफ जेरेमिया द प्रॉफिट 23rd चैप्टर उसके 17-18 पढ़ता। जो लोग मेरे तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा करते रहते हैं कि यहोवा कहता है, उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हट्टी पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगा। देर आर सच फॉल्स प्रॉफिट्स इन द चर्च, दे वर देर इन द ओल्डन डेज एंड दे कुड बी देर इवन टूडे। ऐसे भविष्यद्वक्ताएं पहले थे और आज भी कलीसिया में ऐसे हो सकते, लोगों को कहते कि कोई आपत्ति नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगा, कैसा भी चलो, क्योंकि वो दयालु है। गॉड इज मर्सीफुल, गॉड इज फुल ऑफ ग्रेस। You may walk as you want and you may do whatever you want. God will not notice it and God will not punish. परमेश्वर वो देखेगा भी नहीं, परमेश्वर उसके उसको सजा भी नहीं देगा। ऐसे कहने वाले लोगों को कुछ करने वाले भविष्य तक ताले उठेंगे, सिर्फ यीशु का नाम लेना सब हो जाएगा। Just take the name of Jesus, everything will be glorious. That is what some of us may be tempted to preach. वैसे हम लोग may be परीक्षा सकते हैं कि ऐसे कहने के लिए
लेकिन वो एक सवाल करता बेला कौन यहोवा की गुप्त सभा में कड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है. For who among them has stood in the council of the Lord to see and hear his word? Dear beloved, this is our calling to get into the secret council of the Lord and to receive his counsel. Hallelujah. In the night, in the valleys, over the mountains, in the battleground. Hallelujah. उससे सलाह प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें उसको गुप्त सभा में आमंत्रण दिया है. We are the people who can enter the council of God. हम ऐसे लोग only the priests can approach the throne of God, the holy place. पवित्र निवास स्थान में घुसने के लिए सिर्फ याजक लोगों को अनुमति है. हम ऐसे लोग हैं. हालेलुया. उसको गुप्त सभा में प्रवेश करेंगे. We will hear from him daily. हालेलुया. हम निरंतर सुनेंगे. यीशु ने कहा यह प्रार्थना करो, ये रोटी हमें निरंतर हर दिन दिया करो. Give us this bread daily. Hallelujah. That is what Jesus asked us to pray. May we get into his secret council and receive his word. Hallelujah. कहते हैं कि to see and hear his word. You can see the word and you can hear him. हमने पिछले इतवार को देखा. John turned back to see the voice. Hallelujah. We hear the voice. Hallelujah. Because the voice, the word has become flesh. Hallelujah. वचन देहधारी हुआ है. हम उसको देखेंगे, गुप्त सभा में देखेंगे. On our knees we will see him. Hallelujah. In our prayer chamber we will see him. Hallelujah. रात्रि के कमरे में हम उसको देखेंगे, उससे सुनेंगे. Hallelujah. घुटने पे हम उसको देखेंगे और सुनेंगे. Hallelujah. Who has paid attention to his word and listened. जिसने ध्यान से सुना है. Hallelujah. उसको भजन को ध्यान से किसने सुना है. वो लोग अंधारों को दोबारा बनाएगा. He will start. Such people will start building from the ruins and from the wrecks. Hallelujah. नाश से और ऐसे तेरे अंधारों से दोबारा बनाने वाले लोग ऐसे होंगे. Hallelujah. അവന്റെ രഹസ്യ അറിയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ, അവന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ, അവന്റെ വചനത്തെ പ്രാപിപ്പാൻ, അവന്റെ വചനത്തെ വേണ്ടുവണ്ണം ഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹാലലിയ. പുരോഹിതന്മാരത്രേ അവനോട് അടുത്തു ചെല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തു ചെല്ലാം. അനേകം വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ ജനത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഹാലലിയ പൊളിഞ്ഞുപോയ പാതകളിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു ചെല്ലണം. ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ശൂന്യഗോപുരം കൂമ്പാരങ്ങളെ നീ പണിതുയർത്തണം. ശരിയായ വിശ്വാസം, ശരിയായ ഉപദേശം, വചനത്തിന്റെ ഉപദേശം വീണ്ടും പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ജനത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പുരോഹിതന്മാരെ വിളിക്കുന്നു. അമാശയായി പോയിട്ട അമാശയെ ഘോഷത്തേക്ക് പാശ്ചാത്ത हर भविष्य तक पहुंचाने के लिए हमारे पास समय नहीं है. हम कुछ कुछ लोगों के पास जाते हैं. वी कुड हैव गॉन टू आइसाया, वी कुड हैव गॉन टू द प्रॉफिट आइसाया, वी कुड हैव गॉन टू ऑल अदर प्रॉफिट्स, बट वी मे नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम एट आवर डिस्पोजल. हम एसेकियल भविष्य तक का पुस्तक में आखिर 47 का 3 ऑनवर्ड्स बहुत ही मशहूर भाग है. फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया. भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था. He will lead us by the streams. Hallelujah. That flows from under the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन से बहने वाली नदी के किनारे से होकर वह हमें चलाएगा. Behold, water was issuing from below the threshold of the temple. Toward the east, for the temple faced east. The water was flowing down from below the south end of the threshold of the temple, south of the altar. हमने देखा है कि वो बलिवेदी से बह रहा है, उसके समीप से होकर बह रहा है. जीवन जल की नदी, हालेलुया, अभिषेक की नदी, the river of life, the river of anointing. बाकी सारी चीज आप जानते हैं, इसके लिए मैं पढ़ता नहीं हूं. The angel would measure and lead the man of God. Hallelujah. स्वर्गदूत नाप कर परमेश्वर के दास को चलाएगा. When he had made a progress for about 1,000 feet, he will be set ready for yet another 1,000. ऐसा लिखा है कि वो माप कर बस उसको लेके जाता है. नाप कर According to each one's spiritual status, हर एक का आत्मिक जो ऊंचाई है उसके आधार पर स्तर है, मानदंड है, सॉरी उसके आधार पर वो चलाते. और ऐसे मुझे लेके गया
हजार हाथ माप कर मुझे ले गया, एक हजार हाथ की दूरी में तैयार करो तो आई विल बी प्रिपेयर्ड, आई विल रेडी फॉर येट अनदर 1,000 feet. हजार हाथ पूरा करने के बाद सफर खत्म नहीं होती, हर हजार हाथ चलने के लिए मुझ में सामर्थ्य आएगा और प्रभु अगुवाई देगा और हजार हाथ में आगे बढ़ूंगा टिल आई रीच द कल्मिनेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी, द फुलनेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा की पूर्णता तक मैं बढ़ाया जाऊंगा. आप जानते हैं घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, गले तक नहीं, पूरा पूरा डुबाने वाले का निपाओ. आमेन. नॉट एंकल डीप, नॉट नी डीप, नॉट वेस्ट डीप. हालेलुया. टू बी ड्राउन्ड इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. वही दाऊद का प्रार्थना है, मैं तेरे मंदिर में निवास कर कर निरंतर वास कर कर तेरी मनोहारी तक का पूरा पूरा आनंद उठा के रखू. That I will be feasting upon the fullness of thy glory and thy beauty, dwelling in thy house forever, was David's prayer. Amasi aage padta. Nirandar, lagatar, badla jayega. Amen. We shall be continuously changed. Amen. We shall be changed continually. Hum Daniel ka pustak mein chale jaata, 12 ka 2 padta. 12 chapter. Daniel 12, second verse. जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा जीवन के लिए और कितने अपनी नाम दराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए. Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Daniel ke dwara ye bataya gaya. Hallelujah. When we keep growing in the Lord, when we keep changing more and more into the image of the Son, we shall awake to everlasting life. Hallelujah. Hum ji uthenge, hamara rupantar honge. Amen. अनंत काल के जीवन के लिए, सदा के जीवन के लिए. वी शाल एवर इवन एज वी आर बीइंग चेंज्ड टुडे, वी शाल बी परफेक्टेड सो एज टू रिसीव इटर्नल ब्लिस, हेवनली जॉय फॉरएवर विद आवर बिलोवेड ब्राइडग्रूम, हमारे प्यारे दुल्हन के साथ, दुल्हा के साथ सदा सर्वदा आनंद मनाने के लिए, खुशियां बांटकर जीने के लिए. हालेलुया. हम जीड़ कर आएंगे, रूपांतर प्राप्त करके आएंगे. आमेन. मे वी एम्ब्रेस दिस कंटिन्यूअस चेंज. हमारे जीवन में निरंतर ये रूपांतर आने के लिए, बदलाहट आने के लिए, आइए हम अपने हाथ को प्रभु के हाथों में सौंप दिया करें. वहां से आगे बढ़ता योवेल भविष्यद्वक्ता तक का पुस्तक से एक वचन पढ़ता, दो वचन. जॉयल चैप्टर टू, जॉयल चैप्टर टू 28-29. एंड यू शैल कम टू पास आफ्टरवर्ड दैट आई विल पोर आउट माय स्पिरिट ऑन ऑल फ्लेश. इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यद्वाणी करेगी, तुम्हारे पुरानियां सपने देखेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. योर डॉटर्स एंड सन शैल प्रोफेसाय. Old men shall see dreams, and your young men shall see visions. Hallelujah. Even on the male and female servants in those days, I will pour out my spirit. Hallelujah. एक बुड्ढा आदमी आकर कुछ जुना जमाने की एक उसका अनुभव बताएंगे, ऐसा नहीं कहा. It's not said here that a veteran will stand up and he will repeat an old story of his life, of an encounter with the Lord. परमेश्वर के साथ कैसे मुलाकात हुआ था, कैसा वो बदल गया था, वो बात अभी भी बताएगा. 1950 में हुआ था, 1960 में हुआ था, इससे बताने वाले एक बुढ़ा आदमी खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहता. देयर विल बी एन ओल्ड मैन, अ ग्रैंड ओल्ड मैन, हु नरेट हिज एक्सपीरियंस ऑफ एन एनकाउंटर विद द लॉर्ड इन 1950s एंड 60s. नो,
एवरीवन, नन विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी छोड़ नहीं दिया जाएगा। मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी कलीसिया विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के पूरे नियंत्रण का अधीन मैं बन जाऊंगा। मेरा परिवार और मेरी कलीसिया पूरा पूरा प्रभु के नियंत्रण का अधीन बन जाऊंगा। I'll come under the total control and lordship of the Holy Spirit. Hallelujah. I'll speak His words. Amen. Uski vani hum kahenge. Uski or se hum sapna dekhenge. Amen. We will have our plans, our desires and our speech. Everything controlled and guided by the Holy Spirit. Hallelujah. None will be left behind, from the youngest to the eldest, including the servants. Hallelujah. Jo abaye hai, ab sahay log hai, jo bhi hai, none will be left behind. All will be gloriously transformed. Hallelujah. Kalisiya mein rupantar ho jayega. Everyone will be on fire for the Lord. Hallelujah. Parmeshwar ke samne, Parmeshwar ke liye, har jan itne tivrata se, itne dhun se kade ho jayenge. Hallelujah. The church will shake off her dust, amen, and will emerge stronger and more powerful. Hallelujah. Kalisiya, usko dhool jhad kar, wo kadi ho jayegi. अति सामर्थ्यवान होकर कड़ी हो जाएगी, हमें बलवंत होकर कड़ी हो जाएगी। परमेश्वर की वाणी सुनाने वाली होगी, हाल या परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने वाली होंगी, ऊंचाई के दर्शन पाने वाले लोग हैं। दे शाल रिसीव हेवनली विजन्स, हालेलुया, दे शाल हैव ड्रीम्स इन अकॉर्डेंस विद गॉड्स विल, एंड दे शाल स्पीक गॉड्स वर्ड्स, आमेन। आगे बढ़ता, उसके बाद हम यूना नियम का अंतिम पुस्तक मलाखी में चले जाता। We look into the last book of the Old Testament, Malachi. Look into the third chapter, read 16th verse. तीसरा अध्याय का 16वां वचन पढ़ता। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। Those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them. Hallelujah. आपस में बातें करता और परमेश्वर ध्यान से सुनता। These are not worldly things. This is not gossiping. ये आपस में कानाफूसी करने वाली बात नहीं है, ये दुनियादारी चर्चा नहीं है। They speak heavenly stuff, glorious things, amen, of everlasting value. वे लोग अभी इससे बातें करेंगे, amen. बीमारी की चर्चा ही नहीं है, सुर की बात, अनंत काल की आशा की बात, अबाउट द डिवाइन होप, द लिविंग होप, द इटर्नल होप, अबाउट द ग्लोरीज दैट आर येट टू बी रिवील्ड, प्रकाशित किया जाने वाले अद्भुत महिमा के विषय में वो लोग बात करेंगे और परमेश्वर बड़े दिलचस्पी से सुनेंगे। गॉड विल लिसन टू इट विद ग्रेट अटेंशन एंड इंटरेस्ट, एंड देयर इज अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, हालेलुया, केप्ट बिफोर हिम फॉर दोज हू फियर द लॉर्ड एंड एस्टीम्ड हिज नेम, हालेलुया। और ये सारे चीज उल्लेखित किया जाएगा। All these things will be recorded, dear later. Our conversations will get recorded. May we speak encouraging words. May we speak uplifting words. May we speak words of correction. मूल सुधार की बात करें, उपदेश की बात करें, एक दूसरे को उत्तेजित करने वाली बात करें, एक दूसरे को बांधने वाली बात करें। हालेलुया, परमेश्वर के पुस्तक में ये सारे चीज उल्लेखित किया जाता। आमेन। उसके स्मरण के निमित्त ऐसा पुस्तक है, उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। हमें कैसे लोगों के लिए, जो हो का ध्यान धरकर उसकी सुनता है। देयर इज अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर देम हु फियर द लॉर्ड एंड एस्टीम्ड हिज नेम, उसके नाम को उनसे उठाने वाला और उसका भय मानने वाले लोगों के लिए। परमेश्वर के पास एक किताब है, उसमें यह उल्लेखित किया जाता है। एवरी स्टेप ऑफ माइंड, एवरी वर्ड ऑफ माइंड विल बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक for him to remember and to reward. Dearly beloved, उसके पास ऐसे किताब है जिसके ऊपर हमारे हर चाल चलन, हमारे हर शब्द, हमारे हर संभाषण, सारे चीज उल्लेखित किया जाता ताकि उसके आधार पर हम प्रतिफल पाए। Hallelujah. We rededicate our lives so that we will go through this continual change, glimpses of which we saw in the Old Testament. जना नियम में हमने देखा, ऐसे कुछ कुछ झलक देखा, ऐसे लोगों में रूपांतर पाता और परमेश्वर से उपदेश भी पाया। ऐसा हमारे जीवन में रूपांतर होना अवश्य है। गॉड इज विद ग्रेट ग्रेट
interest and pleasure watching over us and picking up every word, every thought, every step of mind to be recorded in this book. परमेश्वर बड़ी दिलचस्पी से, बड़ी आकांक्षा से नजर लगाकर बैठा है ताकि मेरा हर शब्द, मेरा हर अभिलाषा, मेरी राधाएं, मेरे चाल चलन, मेरे संभाषण, एवरीथिंग, माई कॉन्वर्सेशन, माई वॉक, माई वर्ड्स, माई थॉट्स, माई इमेजिनेशन, इट ऑल गेट रिकॉर्डेड. He takes great interest in it so that we may get rewarded. जैसे हमने दानियल के पुस्तक से पढ़ा था, अनेक लोग उड़कर आएंगे. मैं वो वचन पढ़ा नहीं दानियल को, कहता तुम भी उड़कर आएगा, प्रतिफल पाने के लिए आएगा. ओ दानियल, यू विल ऑल्सो कम अप, यू विल ऑल्सो वेक अप टू रिसीव योर रिवॉर्ड. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. व्हाट अ ब्लेस्ड वॉक इट इज दैट गॉड हैज कॉल्ड अस इनटू. परमेश्वर ने कितने महान चाल चलने के लिए हमें बुलाया है, हम उसमें चलते रहेंगे. हालेलुया. हम अभी नया नियम में नजर डालकर देखेंगे ये रूपांतर हमारे जीवन में क्या क्या फल लेकर आता है. We will now look into the New Testament to see what kind of fruit this continual change will produce in our lives for the glory of God. Amen. But amen.